एक अद्भुत दृश्य है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमेव जयते की हमारी परंपरा का उद्घोष करते हैं, सत्यमेव जयते अगर भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है तो महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु यह भी है जब अभिवादन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमजीवियों का, श्रम साधकों का। ये कर्मयोगी का सम्मान है राष्ट्र की तरफ से हमारे श्रमयोगियों का, हमारे श्रमजीवियों का, हमारे श्रम साधकों का। और ऐसे अनेक उद्धरण हमने देखे, अनेक हमने उदाहरण देखे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम की शक्ति को नमन किया है और ये नमन समूचे राष्ट्र का होता है। अजय भाई राम मुर्मू जी झारखंड से हैं, पूरे कार्यकाल में इन्होंने स्वच्छता अभियान चलाए रखा। एजाज अहमद साहब सुपरवाइजर भी हैं और स्टेयरकेस के माहिर हैं। सेवा धर्मों को हमेशा अपने जीवन में मानते हैं और साथ ही साथ इन्होंने पूरे क्षेत्र में सभी के लिए चाय और पानी की व्यवस्था की। श्रम का सम्मान कर रहे हैं, जो जिजीविषा है, जो निर्माण है, जो सृजन है, वो इनके अथक प्रयासों से हुआ है। निर्देशन प्रधानमंत्री का रहा, संपूर्ण राष्ट्र की कामना रही, लेकिन उसको मूर्त रूप, साकार रूप देने में इन श्रमजीवियों का, इन श्रम साधकों का सबसे बड़ा योगदान रहा। श्रम साधकों के साथ में उन्होंने थोड़ी देर पहले प्रसाद ग्रहण किया है, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वो सभी श्रम साधक, वो श्रमिक जिन्होंने इस पूरी परिकल्पना को साकार रूप देने में अपना श्रम बहाया है। ये देखिए, ये बहुत ही अहम तस्वीर, जो सफाई कर्मचारी हैं उनके पांव धोते हुए नजर आ रहे प्रधानमंत्री। दरअसल ये वो लोग हैं जिन्होंने कुंभ को वाकई दिव्य और भव्य बनाया है, साफ सफाई का जिन्होंने ख्याल रखा है, दिन रात जिन्होंने मेहनत की, जिनकी वजह से यह सफल आयोजन हुआ है। और ऐसे में देखिए प्रधानमंत्री मोदी का यह उदार हृदय, यह बड़ा चेहरा, किस तरीके से वो सफाई कर्मचारियों के वहां पर पांव धोते हुए, पांव पोछते हुए नजर आ रहे हैं। कतर की राजधानी दोहा से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के श्रमिकों को संबोधित किया। और अब इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय श्रमिकों के बीच में, जैसा कि आप सीधे प्रसारण में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद वहां श्रमिकों के साथ जलपान भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर हैं और आज सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दरमियान दोनों देशों में तेल से लेकर आतंकवाद सहित कई अहम मसलों पर बातचीत हो सकती है। लेकिन इसी बीच आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री ने इस दौरे में अप्रवासी भारतीयों का दिल जीतने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय प्रवासी मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाया।